तो कल के सेशन में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि आपकी जो ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, तो बेसिकली इसके संबंध में जो बिल है, विधेयक है, वो कब पेश किए गए थे। देन उसके बाद हमने वहां पर देखा कि कब लोकसभा से सहमति मिली, कब राज्यसभा से सहमति मिली, कब राष्ट्रपति ने अपनी एसएन प्रोवाइड की, और उसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि जो लागू होने की तारीख है वो किस तारीख को आई, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसको अभी लागू नहीं किया गया, तो सभी बातें मैंने यहाँ पे बता दिया था। एक बेसिक बेसिक क्विक रिस्पॉन्स इसका एक देखते हैं रिवीजन। तो यहाँ पर जो मुद्दे की बात ऐसे ध्यान रखना, तो पहला बात तो ये ध्यान रखना कि जो ये एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 45 है, एडीपीओ वगैरह की एग्जाम में ये चीजें थोड़ा काम की रहती हैं, पूछी जाती हैं। तो ये एक्ट नंबर जो है आपकी 45 है, 2023 का है ना, क्योंकि 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। कब मिली राष्ट्रपति की सहमति? 25 दिसंबर 2023, इसलिए एक्ट नंबर बेसिकली 45 इसका बताया गया है। दूसरी चीज मैंने बता दी कि यह कैसी विधि है, सारभूत विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है ना। यह कैसी विधि है, सारभूत विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। सारभूत विधि मतलब ऐसी विधि जो विधायिका द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि से मतलब यहाँ पर संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। तो ये विधि कैसी विधि कहलाती है? सब्सटेंटिव लॉ कहलाती है, सारभूत विधि कहलाती है। और ऐसी विधि में अपराध और दायित्व को डिफाइन किया जाता है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि। और साथ में बेसिकली सबसे सही आंसर तो ये होगा कि ऐसी विधि जिसपे अपराध और उसके दंड को निर्धारित किया जाता है, यानी कि अधिकार और दायित्व का निर्धारण किया जाता है, ऐसी विधि सारभूत विधि कहलाती है। क्योंकि प्रक्रियात्मक विधि भी तो विधायिका द्वारा बनाई जाती है ना, तो चीजें यहाँ पे थोड़ा संहिताबद्ध विधि की परिभाषा मेरे दिमाग में पहले आ गई तो इसलिए गड़बड़ हो गई। चलिए, तो सारभूत विधि यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब इसको आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सारभूत संहिताबद्ध विधि है, सारभूत संहिताबद्ध विधि, ठीक है ना, सारभूत संहिताबद्ध विधि है ये। अगली चीज जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब बीएनएस के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान रखना कि बीएनएस जो है बेसिकली ये राष्ट्रपति की सहमति हमने देख लिया, कब इनफोर्स हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से ये इनफोर्स हुआ। इसके संबंध में नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, तो 23 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। क्या कोई प्रोविजंस है, कोई प्रावधान है जिसको अभी अप्लीकेबल नहीं किया है, लागू नहीं किया है? तो यहाँ पर धारा सेक्शन 106 का क्लॉज 2 है, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु के बारे में बातचीत करता है, उसका वो प्रोविजन अभी लागू नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, अभी ये लागू नहीं है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिए। देन कि अब यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं कि ये जो एक्ट आपका बना हुआ है, तो इस एक्ट के कितने चैप्टर्स हैं? तो यहाँ पर चैप्टर की बातचीत करते हैं, तो चैप्टर आप यहां पर देखेंगे 20 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। और सेक्शंस की बातचीत करते हैं, तो सेक्शन आपका जो है तो कितना है, 358 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है, ये बात यहां पर ध्यान में रखिएगा। 300, ठीक है, ठीक है, सॉरी, चैप्टर इसके जो है तो अध्याय 20 है और सेक्शन 358 इसकी सेक्शन है। कोई शेड्यूल है क्या इसमें? तो इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, ये शुरुआती बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब ये जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, बेसिकली कहाँ पे लागू होता है? संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के प्रत्येक भाग में। पहले चूंकि जम्मू कश्मीर और आईपीसी में भी जम्मू कश्मीर को ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, पर अभी जो नई बीएनएस है वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कि ये संपूर्ण भारत पे अप्लीकेबल है, लागू है, यह बात यहाँ पर ध्यान में। भारतीय न्याय संहिता है तो किसके बारे में बातचीत करती है? जनरली अपराध के बारे में। तो अपराध के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अपराध बेसिकली क्या होता है, वायलेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, दैट इज ऑफेंस, अधिकार दायित्व का उल्लंघन ही जो है तो क्या कहलाता है,
अपराध कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अपराध को आपके सिलेबस में कहाँ डिफाइन किया गया है। तो अपराध की डेफिनेशन यदि अपन सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे दो जगह, एक तो आपका भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया एक्ट आया है इसकी सेक्शन 2 क्लॉज 24 धारा 224 में डिफाइन किया गया है, लेकिन ये सीमित परिभाषा, ये कहता है कि इस संहिता में दंडनीय कोई बात अपराध है, यानी कि थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, एनीथिंग पनिशेबल इन दिस कोर्ट या इन दिस संहिता दैट इज ऑफेंस। तो ये कहता है केवल इस संहिता में दंडनीय अपराध कोई भी कार्य या लोभ ही अपराध है। लेकिन जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नई CRPC है उसकी सेक्शन 2O देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि एनी पनिशेबल एनी कह सकते हो कि ऑफ एनी एक्ट और ऑम्बिशन जो तत्समय प्रवृत्त विधि टाइम इन फोर्स लॉ या फिर कह सकते हैं के तहत दंडनीय है वो बेसिकली जो है तो क्या कहलाता है आपका अपराध कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, ये IPC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी कानून जो तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत दंडनीय हो, ठीक है ना, तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत, तो के अनुसार तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत दंडनीय। तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब होता है कि वर्तमान समय में भारत में जितनी भी विधि लागू है वहां पर यदि किसी कार्य या लोक को अपराध बताया गया है तो वह अपराध की परिभाषा में आएगा। फिर चाहे वो एक्ट आपका IPC हो या नई BNS हो, फिर चाहे वो एक्ट आपका NDPS हो, फिर चाहे वो एक्ट आपका आर्म्स एक्ट हो, ST/SC एक्ट हो, कोई भी अधिनियम हो जहां पर किसी एक्ट और ओमिशन को कार्य या लोक को एज ए ऑफेंस डिफाइन किया गया है वह चीज अपराध है। तो देखा जाए तो जो अभी नई BNSS की सेक्शन 2O है, ठीक है ना, जो CRPC में 2N थी, CRPC में पुरानी CRPC में 2N थी, अभी नए एक्ट में 2O है, ये ज्यादा विस्तृत परिभाषा है, प्रॉपर तरीके से अपराध की बातचीत करता है। तो अपराध की एक जर्नल परिभाषा हम क्या बोलेंगे, तो अपराध की एक जर्नल परिभाषा आप बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति आशय या ज्ञान के साथ कार्य या लोभ करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, ठीक है ना, when a person with intention knowledge by act omission cause injury to another person that is offense। भाई यहाँ पे चार चीजें निकल के आती हैं जब हम अपराध के इन एसेंशियल को देखते हैं, तो इन चार चीजों को थोड़ा बोर्ड के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी चार चीजें निकल के सामने आती हैं, तो यहाँ पर आप अपराध जब पढ़ते हैं, ऑफेंस पढ़ते हैं, तो इसको दो पार्ट में ऐसे देख लो, एक तो है इसके आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस। अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो किसी अपराध में चार प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। पहला तो होता है व्यक्ति, पर्सन, पहला तो क्या होता है व्यक्ति, पर्सन। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स होता है यहां पर दुराशय, जिसको हम बोलते हैं मेंसरिया। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स होता है आपका कार्य या लोप, एक्ट आर ओमिशन, यानी आपराधिक कृत्य, है ना, इसको अपन आपराधिक कृत्य भी बोल सकते हैं। और चौथा यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स है क्षति। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा दूषित, दुराशय, गिल्टी माइंड रखते हुए कार या लोभ के द्वारा किसी अन्य को क्षति पहुंचाती है तो वह चीज अपराध है। यानी किसी अपराध की परिभाषा में ये चारों एलिमेंट्स होने चाहिए, चारों में से यदि कोई भी एलिमेंट्स मिसिंग है तो वो चीज अपराध नहीं बनेगा। ये चीज यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, चार में से कोई भी एक चीज मिसिंग है वो चीज अपराध नहीं बनेगी। हाँ, कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसके लिए मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई सभी प्रकार के अपराध में मेंसरिया, दुराशय की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिनके लिए मेंसरिया की आवश्यकता, दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वहां पर क्या काम करता है, वहां पर कठोर डाइट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम जो है वो काम करता है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और क्षति होना भी जरूरी है, सभी चीजें यहाँ पर, तो चारों एलिमेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जैसे आपने किसी को मारा और क्षति नहीं हुई, तो वहां पे अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से दो लोग को खुन्नस थी, दो लोग को प्रॉब्लम थी कि उसको मारना है। एक व्यक्ति रात को 12 बजे गया, गोली मार दिया, दूसरा व्यक्ति
सुबह 4 बजे गया, उसने गोली मार दिया। कायदे से तो वो मर तभी गया था जब 12 बजे उसको गोली मारी गई थी। तो 4 बजे जो गोली मारी गई थी, तो क्या वह भी मर्डर है या 12 बजे जो गोली मारी गई केवल वह मर्डर है? ठीक है, तो देखिए 12 बजे जो मर्डर हुआ, मतलब 12 बजे गोली मारी गई उसमें क्षति हुई थी, जबकि 4 बजे जो गोली मारी गई उसमें क्षति नहीं हुई थी, क्योंकि गोली मारने वाले को नहीं पता था कि वह व्यक्ति जिंदा है मर गया। उसको तो लगा सो रहा है, उसने भी गोली चलाई और पोस्टमार्टम से पता चला कि जब 12 बजे गोली लगी थी तभी मर गया था। तो 4 बजे वाला हो सकता है कि अवैध रूप से गोली चलाने के लिए या अवैध रूप से घर में घुसा है, ठीक है ना, ट्रेस पास के लिए, गृहतिचार के लिए दोषी माना जा सके, लेकिन हत्या के लिए दोषी नहीं होगा। लेकिन मान लो जो व्यक्ति 4 बजे आया मारने, उसने देखा कि यार कोई और गोली मार के चला गया, तो उसने गुस्सा दिखाते उसके सर, उसके शव को, उसके डेड बॉडी को काट पीट के बेकार कर दिया। तो अब यहां पर समझिएगा कि चूंकि यहां पर आपने अब उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया है, डेड बॉडी को, तो यहां पर अभी पहले आईपीसी में 297 सेक्शन थी और अभी जो नई एक्ट हो गई है इसके तहत जो है तो आपकी 301 धारा है, उसके तहत वहां पे भले ही अपराध बन जाएगा लेकिन अभी भी मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी मर गया। तो क्षति होना चाहिए, और जब क्षति की हम बातचीत करते हैं तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है कि 4 प्रकार की में से कोई एक क्षति होनी चाहिए, या तो शरीर को, संपत्ति को, मन को और ख्याति को। तो ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस है। इसके साथ हम देखेंगे आपका कि अपराध के चरण, यानी कि अपराध की अवस्थाएं, चरण या अवस्थाएं, तो यहाँ पे अवस्थाएं आप लिख सकते हैं। तो कितनी स्टेज होती हैं ऑफेंसेस की, तो यहाँ पे 4 अपराध के चरण होते हैं। पहला जो अपराध का चरण होता है, आप अपने मन में कोई आशय क्रिएट करते हो, उसके बाद तैयारी करते हो, ठीक है ना, तैयारी के बाद आप प्रयत्न करते हो, और प्रयत्न जब पूर्ण हो जाता है तो फिर वो अपराध बनता है। तो ये कह सकते हो कि अपराध की अवस्थाएं। तो यहाँ पर 2 बातें मैंने आपको बताया, आवश्यक तत्व और अपराध की अवस्थाएं, इनको थोड़े नोट्स के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको नोट्स के माध्यम से इन चीजों को बता देता हूं, तो क्लियर हो जाएगा चीजें आपको और अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आवश्यक तत्व जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, पर्सन, व्यक्ति शब्द, व्यक्ति शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो व्यक्ति के अंतर्गत, अब आप यहाँ पर अभी जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसकी सेक्शन 226 में पर्सन को डिफाइन किया गया है, धारा 226 में डिफाइन किया गया है। और बेसिकली वो परिभाषा देखो तो वो कहता है कि लीगल पर्सन आल्सो इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, विधिक व्यक्ति को भी व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किया है। हम आप प्राकृतिक व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन कोई कंपनी है, कोई संगम है, चाहे वो निगमित हो, कॉर्पोरेटेड हो या ना हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कहती है कि अपराध के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति, है ना, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों इंक्लूड हैं। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये धारा एक तरह से विधिक व्यक्ति को व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल करती है। देखो सामान्यतः बहुत सारे अपराध हैं जो प्राकृतिक व्यक्ति करता है, जैसे चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, बेसिकली इन प्रकार के अपराधों को जो है प्राकृतिक व्यक्ति ही करेगा, विधिक व्यक्ति नहीं करेगा, कंपनी चोरी नहीं करेगी। लेकिन चीटिंग हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अपराध हैं, डेफोमेशन हो गया, मानहानि हो गया, जो किसी कंपनी के द्वारा किया जा सकता है या कंपनी के साथ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द को डिफाइन किया गया है, लीगल पर्सन को शामिल किया गया है। अब आते हैं दूसरा यहाँ पे एसेंशियल है, मेंसरिया। जब हम मेंसरिया की बातचीत करते हैं तो यहाँ पे बहुत फेमस जो लैटिन टर्म्स है वो आपने पढ़ा होगा, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसिट्रिया, ये बहुत फेमस लैटिन सूत्र है, पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी इफ हिज माइंड नॉट गिल्टी। भाई किसी व्यक्ति का कार्य अपराधी नहीं बनाता है जब तक उसका मन दूषित ना हो। तो गिल्टी माइंड होगा तो ही आपका जो कार्य है वो अपराधिक होगा। अब ये जो मेंसरिया है, तो मेंसरिया को आपके बीएनएस में या पुरानी आईपीसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया था।
तो डायरेक्ट मेंस क्रिया के बारे में बातचीत करेंगे तो आप जहां पर पढ़ेंगे बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली या कपट पूर्वक, ये प्रत्यक्ष दुराशय के एग्जाम्पल माने जाते हैं। लेकिन जहां पर केवल शब्द यूज करता है इंटेंशन, आशय, नॉलेज या नेग्लिजेंस, उपेक्षा, तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष दुराशय के एग्जाम्पल माने जाते हैं। प्रत्यक्ष में कुछ एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, उसके तहत दुराशा का निर्धारण किया जाता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेंस क्रिया पर दुराशा है कि नहीं, इसका निर्धारण न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करके किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो खासकर इनडायरेक्ट जो आपका मेंस क्रिया होता है, दुराशय होता है, जहाँ पे आशय, ज्ञान, उपेक्षा शब्द हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या इसको थोड़ा कुछ मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं? तो यहाँ पे मतलब कुछ बताने का मैंने प्रयास किया है। तो जैसे देखिए, आशय कब कहते हो कि आपके मन में आशय है, ठीक है ना, कि किसी अपराध को करने का आशय है, तो जब आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो उससे परिणाम आपको लगभग पता है। जैसे मान लो मुझे किसी को मारना है और मैं उसको, मेरे सामने खड़ा है बिल्कुल पास में, ठीक है ना, और मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज मतलब कि बिल्कुल पास में से बंदूक रख के गोली चला रहा हूं। अब देखो यहां पर मेरे इस कृत्य से पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि मेरा इंटेंशन उसको मारने का है, क्योंकि मैं उसको पास से गोली चला रहा हूं। लेकिन ज्ञान यानी कि जहां पर संभाव्य परिणाम का पूर्वानुमान होना, ठीक है, संभाव्य परिणाम का पूर्वानुमान होना, तो बेसिकली ये एक तरह से आपका ज्ञान के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति मान लो 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, 50 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को यदि मान लो कि मैं गोली मारता हूं, तो अब देखो 100 मीटर की दूरी पे खड़ा व्यक्ति, हो सकता है गोली लगे, हो सकता है नहीं लगे, है ना, निशाना लगे, चूक जाए। अभी ओलंपिक में देखो कि क्या हो रहा है, केवल मात्र कांस्य पदक जो है तो हमने प्राप्त किया है, दो निशानेबाजी में, तीनों शायद निशानेबाजी में ही प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जब इतने बड़े देश में इतने कम पदक मिल रहे हैं तो निशाना लगना तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो बेसिकली जो है, तो ये जो चीज है किसके बारे में बातचीत करता है आपका, बेसिकली जो है तो एक ज्ञान के बारे में बातचीत करता है कि ज्ञान लगभग पता है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो संभाव्य परिणाम का पूर्वानुमान के बारे में ऐसे संभावना हो सकती है। उपेक्षा क्या होता है बेसिकली, तो जब आप आचरण संबंधी मानक को पालन, नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, है ना, उपेक्षा, आप सड़क में चल रहे हो, गाड़ी थोड़ा सा रफ्तार कम चलाइए, लेकिन आप तेज गाड़ी चला रहे हो, लापरवाही से चला रहे हो, तो ये आपका दिखाता है कि आप एक जो आचरण है आपका व्यवहार है जो एक स्टैंडर्ड वाला प्रॉपरली वाला व्यवहार होना चाहिए, आप वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो ये नेग्लिजेंस यहाँ पर माना जाता है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि सभी अपराध के लिए मेंस क्रिया की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ अपराध हैं जैसे पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, व्यपहरण, ठीक है, रेप या बाइगेमी, द्विविवाह जैसे कुछ अपराध हैं जहां पर दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो कुछ अपराध छोड़ दिया जाए, बाकी अपराधों में दुराशय की आवश्यकता होती है, मस्ट कंपल्सरी है। कुछ केसेस हम देख सकते हैं, जैसे कि आर वर्सेस प्रिंस का एक केस है, तो इसी केस में कठोर दायित्व के सिद्धांत को पहली बार बातचीत की गई थी 1875 में, जहां पर यह कहा गया था कि कोई विधि यदि किसी कार्य को प्रोहिबिट करती है तो फिर वहां पर दुराशय होना या नहीं होना कोई महत्व नहीं रखता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। बेसिकली किडनैपिंग पर यह धारा काम, किडनैपिंग के संबंध में धारा है, ये केस है जहां पर यह बोला गया कि आप किसी कम एज की लड़की को किडनैप करते हो तो अपराध माना जाएगा, भले ही वो लड़की खुद ही कह रही हो कि हमें भगा ले चलो, फिर भी वो अपराध माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर वर्सेस टार्लसन का द्विविवाह पर, बाइगेमी पर, यह प्रमुख केस था जिसमें कहा गया था कि इसके लिए दुराशय नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रमुख केस है जिसमें कहा गया था दुराशय इट एसेंशियल ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध के लिए आवश्यक तत्व है। और आर एम जोशी वर्सेस अजीत मिल का एक केस है जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि कठोर दायित्व, जहां पर कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, वहां पर दुराशय की आवश्यकता नहीं है। तो मेंस क्रिया के संबंध में
ये बेसिकली हमने यहाँ पर देख लिया। एक्ट और ओमिशन, तीसरा एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करें तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 21 में एक्ट को और 225 में ओमिशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्य शब्द एक या कार्य की आवली का सीरीज ऑफ एक्ट, या लोप शब्द एक लोप या लोपों की श्रृंखला का जो है तो आवली का द्योतक है, वो वहां पे ऐसा लिखता है। आप बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो कि कार्य क्या होता है, तो मानवीय आचरण का भौतिक परिणाम। मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कार्य है, ठीक है ना। जब तक मैं सही काम कर रहा हूँ कार्य है, जब मैं माँ बहन की गाली बकने लगूंगा यही कार्य अपराध हो जाएगा। लोप ड्यूटी, एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि भैया कर्तव्य, कर्तव्य है कि कोई, जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस वाले कर्तव्य है कि ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज करे लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है तो लोप है, यानी कर्तव्य भंग ही क्या कहलाता है, ओमिशन कहलाता है, ठीक है। अगला है क्षति। क्षति बेसिकली अभी नई भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 214 में डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि शरीर मन ख्याति और संपत्ति, ठीक है ना, शरीर मन ख्याति और संपत्ति चार प्रकार से, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, चार प्रकार से नुकसान पहुंचा करके क्षति कारित की जा सकती है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आपके जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस है, अपराध के आवश्यक तत्व हैं, बहुत ही समराइज्ड वे में जो है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगली बातचीत करते हैं स्टेज ऑफ ऑफेंस, अपराध की अवस्थाएं। तो अपराध की अवस्थाओं में जो है तो पहली अवस्था कौन सी आएगी, तो पहली अवस्था है आपकी इंटेंशन, आशय। भाई आप अपने मन में कोई जब आशय धारण करते हो, ठीक है, तो अपराध की पहली अवस्था है कि हमें ये अपराध करना है। तो इसके तहत क्या होता है, कोई व्यक्ति वह प्रयोजन या परिकल्पना, डिजाइन प्रयोजन पर्पस, क्या पर्पस है ऑफेंस करने का, और डिजाइन परिकल्पना यानी कि कैसे उस अपराध को हम करेंगे। तो जब इसके बारे में एक शुरुआती स्टेज में सोचता है, प्लानिंग करता है, बेसिकली ये क्या कहलाता है, इंटेंशन। क्या आशय किसी प्रकार से पनिशेबल है, तो आपके अकेले के मन में यदि कोई अपराध करने का इंटेंशन है वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका इंटेंशन कन्वे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वो आशय फिर पनिशेबल हो जाता है, जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्लॉज में बताई गई है। आपराधिक षड्यंत्र अभी जो नई भारतीय न्याय संहिता इसकी सेक्शन 61 में इसके बारे में बातचीत करता है, तो वहां पर बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा या अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं और सहमत के अनुसार में थोड़ी बहुत काम करते हैं तो बेसिकली जो है तो वो आपराधिक दायित्व बनता है। तो सहमति होने भर से आपराधिक दायित्व बनता है, ठीक है ना, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि एक अकेले व्यक्ति के मन में आशय पनिशेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आगे एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि पांच लोग डकैती के लिए कम से कम पांच लोग चाहिए, तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। तो पांच लोग यदि असेंबल होते हैं, एकत्रित होते हैं कि भैया चलो डाका डालने चलते हैं, अभी डाका उन्होंने डाला नहीं है, केवल इकट्ठा हुए हैं, प्रिपरेशन की बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा है कि बंदूक बंदूक की, अभी एकत्रित हुए हैं कि डकैती डालने के लिए, तो बेसिकली ये एक इंटेंशन को शो करता है और ये पनिशेबल यहाँ पर है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। दूसरा है प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी क्या होता है, जिसके तहत आपराधिक कार्य को करने के लिए आवश्यक साधन या उपाय इकट्ठा किया जाता है। भाई आपने यदि अपने मन में कोई आशय धारण कर लिया है तो उसको पूरा करने के लिए आप कोई भी साधन सोर्सेस, है ना, भाई आपको घर में आग लगानी है तो भैया पेट्रोल चाहिए, माचिस चाहिए, आपको डकैती डालनी है तो बंदूक बंदूक घोड़ा ओड़ा और जीप उप है ना कुछ चाहिए, है ना, किडनैपिंग करना है तो ओमनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वाहन जो, या कोई भी ऐसा सोर्स रिसोर्स जो उस अपराध को करने के लिए आवश्यक है, वो आप बैंक में डाका डालना है तो उसके लिए भैया टूल किट चाहिए ताकि तिजोरी वगैरह काट सकें, तो इन सब के लिए जो रिसोर्स आप इकट्ठा करते हो प्रिपरेशन के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा, आप अपने BNS की बातचीत करें या IPC की बातचीत करें तो पहले ही बताया था बेसिकली पार्ट ऑफ असॉल्ट होता है, हमले का भाग होता है, पढ़ेंगे एक अपराध सबसे छोटा जो ऑफेंस होता है आपके, चाहे तो IPC बोले या BNS बोले, हमला असॉल्ट, ठीक है, जो 130 अभी IPC
कि जब हम बातचीत करते हैं तो आईपीसी में एसाल्ट आपका 351 में डिफाइन किया गया था और बीएनएस में ये 130 में हो गया है। तो जो एसाल्ट हमला यदि किया जाता है तो वहां पर भी प्रिपरेशन पार्ट ऑफ एसॉल्ट माना जाता है। फिर इसके बाद कौन कौन सी धाराएं हैं जो प्रिपरेशन तैयारी के लिए दंड की बातचीत करती हैं, तो आपका सेक्शन 149 और 154 ये वही धाराएं हैं जो आईपीसी में आप चैप्टर 6 में पढ़ते थे, राज्य के विरुद्ध अपराध, है ना। और ये अब चैप्टर 7 हो गया है, अभी भी राज्य के विरुद्ध अपराध है, सेक्शन बदल गई है 149 और 154। सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए आप आयुध वगैरह इकट्ठा करते हो, तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेसिकली ये पनिशेबल अपराध माना जाएगा। और लास्ट में है डकैती की तैयारी करना, 310 क्लॉज 4, डकैती की तैयारी करना। अभी थोड़ी सी नई जो बीएनएस है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि अब आपको सब क्लॉज याद करने पड़ेंगे। पहले क्या हमको सेक्शन, जैसे पहले हम आईपीसी की बातचीत करें तो 399 हम बोलते थे, भैया 399, ठीक है ना, इसके लिए हम बोलते थे 122 और इसके लिए हम बोलते थे 126। अब ये यहाँ पर जो है, तो ये ध्यान रखिए, ये धाराएं जो मैंने लिखी हैं, ये धाराएं कहाँ की हैं, ये आईपीसी की धाराएं हैं, ठीक है ना, आईपीसी की धाराएं हैं। तो पहले ये धाराएं थी, पर अब यहाँ पर सब क्लॉज हमको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रिपरेशन यहाँ पे कहलाता है। अब अगला आता है प्रयत्न, अटेम्प्ट, प्रयत्न। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अटेम्प्ट है, प्रयत्न है, तो प्रयत्न के बारे में हम बातचीत करें, फिर चाहे आपका बीएनएस की बातचीत करें, तो बेसिकली ये तीसरी अवस्था है जहां पर प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है। और यह है आपके आईपीसी हो या बीएनएस हो, तीन तरीके से, यानी तीन फॉर्म में, तीन कैटेगरियों में इनको डिफाइन किया गया, एज ए एब्सोल्यूट ऑफेंस, पूर्ण अपराध के रूप में प्रयत्न, जहां पर प्रयत्न और अपराध का बराबर दंड है। पूर्ण अपराध मतलब कि प्रयत्न और अपराध का इक्वल दंड है। तो सेक्शन है 147, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करोगे या युद्ध करने का प्रयत्न करोगे या दुष्प्रेरण करोगे, अबेटमेंट करोगे, अटेम्प्ट करोगे, बराबर दंड की बातचीत करता है 147 में। अगला है 310 में, जो बेसिकली जो है तो किसके बारे में, डकैती करोगे या डकैती का प्रयत्न करोगे, डकैती या अटेम्प्ट डकैती, तो बेसिकली उनके लिए बराबर पनिशमेंट की बातचीत करता है। अब दूसरा प्रयत्न बताया गया, एज ए पर्टिकुलर ऑफेंस, विशिष्ट अपराध के रूप में प्रयत्न, विशिष्ट अपराध के रूप में जो प्रयत्न है, बेसिकली कहाँ बताया गया है, धारा 109 में, 110 में और 309 क्लॉज 5। तो 109 यहाँ पर वही है, हत्या का, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, हत्या का, तो पहले हत्या का प्रयत्न बताया गया है 109 में, 110 में आपराधिक मानव वध का प्रयत्न और 309 क्लॉज 5 में लूट का प्रयत्न बताया गया है, ठीक है ना। पहले की सेक्शन आपको याद होगी, तो पहले सेक्शन 307 था, 308 था और इसके लिए 393 था। ये आईपीसी की धाराएं थी, किसकी धाराएं थी, आईपीसी की। लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी सेक्शन 109, 110 और 309 क्लॉज 5 हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीसरा है अटेम्प्ट एज ए इनकोहेरेंट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध या इनकम्प्लीट ऑफेंस। तो यदि कोई भी प्रयत्न, अब जैसे देखिए, प्रयत्न जो पूर्ण अपराध के तौर पर बता दिया और जो विशिष्ट अपराध की, पर्टिकुलर ऑफेंस बता दिया, प्रयत्न की अलग से धाराएं बता दी, अब बचा बाकी धाराएं कि चोरी का प्रयत्न करते हो, उपहति का प्रयत्न करते हो, हर्ट, थेफ्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए कोई अलग से सेक्शंस नहीं बताई गई हैं। पहले आईपीसी में हम पढ़ते थे अंतिम धारा 62 के लिए, आईपीसी में हम 511 पढ़ते थे, लेकिन अब बीएनएस में उसको सेक्शन 62 में कर दिया है, यानी कि कोई ऐसे अपराध का प्रयत्न किया जाता है जिसके लिए दंड नहीं बताई गई है, धारा 62 लागू होगी। सेम कहानी है, यदि किसी अपराध का प्रयत्न किया जाता है, अपराध की सजा 3 साल, तो प्रयत्न की सजा आधी हो जाएगी, 1 साल 6 महीने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और अपराध की पूर्णता, इसका अंतिम चरण है अपराध की पूर्णता। तो जब यह भैया सिंपल सी बात है, जब आप कोई आपराधिक कार्य करते हो और वो अपराध कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली अपराध बन जाता है। तो ये आपका कह सकते हैं स्टेज ऑफ ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बातचीत आपको बता दिया। देन अगली बातचीत हम यहाँ पर देखेंगे, तो
तो अब थोड़ा सा हम सेक्शंस यानी शुरुआती प्रोविजंस पर जो है तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे आपका। तो शुरुआती प्रोविजंस के बारे में जो है तो हम देखते हैं, सीधे आ जाइए प्रारंभिक। तो सेक्शन आप देखेंगे प्रिलिमिनरी में 1, 2, 3 धाराएं जो है तो यहाँ पर बताई गई हैं प्रमुख तौर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम तो पता ही है, भारतीय न्याय संहिता, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता बोला गया है। जब ये अधिनियम आया था तो इसका विरोध किया गया था, खासकर साउथ इंडियन के कुछ नेता हैं, इन्होंने विरोध किया था कि मोदी जी पूरे भारत में हिंदी थोपना चाहते हैं। पर ठीक है, हमारी देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है ना। एक संविधान है, एक संविधान में आर्टिकल है, संविधान में भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जहां पे कहा गया है कि राजभाषा हिंदी। कौन सा आर्टिकल है कोई बताएगा? बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा आर्टिकल है जहां पे कहता है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? हाँ बताओ, कौन सा आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है बताता है जहां पे? हाँ, 343, आर्टिकल 343 है जहां पे कहता है कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। और इसीलिए आपका इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता और हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता इसको बोला गया। बाकी अंदर के प्रोविजन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हैं, केवल शुरुआत में ही ये बदलाव किया गया है, ध्यान में रखिएगा। बाद में अधिनियम केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना देगा, उस पर लागू होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 23 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसके तहत बेसिकली बताया गया था कि 1 जुलाई 2024 से आपकी जो बीएनएस है लागू हो जाएगी, लेकिन केवल एक धारा 106 उपधारा 2 है ना, 106 क्लॉज 2 भर लागू नहीं होगी। 106 का क्लॉज 1 लागू हो जाएगा, 2 अभी लागू नहीं होगी, यह बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन 1 ही चल रहा, ध्यान रखना। पहले आप लोग जब आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में आपका सेक्शन 1 से लेकर के जो 5 तक के प्रोविजंस थे, धारा 1 से 5 तक के जो प्रावधान थे, उन सभी को धारा 1 में शामिल कर दिया गया है और सब क्लॉज बना दिया गया है। तो जैसे सेक्शन धारा 1 के बारे में बातचीत करें आईपीसी की, तो ये दोनों मिला करके बेसिकली जो है तो आईपीसी की जो है तो सेक्शन 1 थी। अब इसके बाद ये धारा सेक्शन 1 का क्लॉज 3, तो ये आईपीसी की धारा 2 थी। ये आईपीसी की धारा कौन सी थी? 2 थी, जिसमें बेसिकली ये कहता है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, इस संहिता के उपबंधों के अधीन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य या लोभ के लिए दंडनीय होगा जो उसने भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किया है और जिसके आधार पर इस संहिता के तहत अपराध का निर्माण हो रहा है, गठन हो रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी पर्सन यूज किया है। तो एवरी पर्सन यूज करके यहाँ पर एक सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, अनन्य क्षेत्राधिकार का सिद्धांत बोला गया है, जिसे एक प्रमुख केस एमएस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1966 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सेक्शंस के भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका आर्टिकल 361, भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख को प्रिविलेज देता है, विशेषाधिकार देता है कि उनके ऊपर ये काम नहीं करेगा। जो विदेशी राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, उनके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी। कोई फॉरेन एनिमी है, विदेशी शत्रु है, उसके ऊपर, वह भी प्रत्येक व्यक्ति की, एवरी पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कोई विदेशी सेना है, फॉरेन आर्मी है, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। और वॉरशिप है तो वॉरशिप भी, युद्धपोत भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। युद्धपोत तो पता होगा ना, बड़े बड़े जहाज जहां पर कह सकते हैं फाइटर प्लेन उड़ते हैं, आते हैं, पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा व्यवस्था उस पर रहती है, रडार उडार, एमुलेशन, आर्म्स एमुलेशन जो है तो बहुत सारी चीजें उस पर रहती है। विक्रांत, बहुत युद्धपोत का एक ही मुझे नाम याद आया, विक्रांत करके, है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
तो आपकी अगला क्लॉज यहां पर है आपका सेक्शन 1 का क्लॉज 4। क्लॉज 4 ये आपकी जो आईपीसी की हम बातचीत करते हैं, तो बेसिकली आईपीसी की जो है तो सेक्शन कौन सी थी, ये आईपीसी की सेक्शन 3 था, आईपीसी का सेक्शन 3 था। और अभी ये जो नया एक्ट है, नए एक्ट की सेक्शन 1 क्लॉज 4 के तहत इसको बताया गया है। सिंपल सा है कि कोई व्यक्ति भारत से परे बियॉन्ड ऑफ इंडिया कोई अपराध करता है, लेकिन अपराध करने के बाद भारत में आ गया और वह अपराध भारत में पनिशेबल है, दंडनीय है, तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लीकेबल होगी। ये प्रावधान इसलिए डाले जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वहां पे कोई अपराध करके दूसरे देश ना भाग जाए, तो यदि वहां पर उसके कार्य को अपराध बनाया गया है, ठीक है ना, तो वहां पनिशेबल होगा ही होगा। लेकिन वहां से मान लो भारत भाग आया और भारत में उस कार्य को अपराध बनाया गया, तो भारत में भी पनिशेबल हो सकता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे देश में गए जहां पर कोई कृत्य अपराध नहीं है, लेकिन वो भारत में पनिशेबल है। जैसे इंग्लैंड चले जाओ, वहां पे इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध वगैरह, उतने उसके लिए काफी रिबेट मिलती, छूट मिलती है। बहुत सारे आप देखो कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ के बड़े बड़े जो पूंजीपति है जिन्होंने करप्शन करके पैसा इकट्ठा किया, वो कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में बस जाते हैं। माल्या वाल्या, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ललित मोदी माल्या, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे उनको ऑफेंस नहीं माना जाता, लेकिन भारत में माना जाता है। तो यदि मान लो वहां पे ऐसा कोई अपराध करके भारत में आते हैं, तो उनके ऊपर, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि वो भारत का नागरिक ही हो, कोई विदेशी ही मर्डर करके भारत में आ गया, आईपीसी उस मतलब बीएनएस लागू होगी। तो इस तरह से इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसको इसीलिए इसको एक सिद्धांत, इसको इसको अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो है तो बोलते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है धारा 1 का क्लॉज 5 क्या कहता है, इसमें तीन बातें कहता है कि भारत का नागरिक, अब भारत का नागरिक विदेश गया है, वहां पे कोई अपराध किया है, आईपीसी उसके ऊपर लागू होगी, ठीक है। भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या जहाज है, कोई जहाज, पानी का जहाज या हवाई जहाज कोई भी हो, भारत में उसका रजिस्ट्रेशन है, मतलब उसमें भारत का झंडा लगा हुआ है, अब वो जहाज कहीं भी खड़ा हो या समुद्र में चल रहा हो, उस जहाज के अंदर फिर चाहे कोई विदेशी या चाहे कोई देसी अपराध करता है, तो उस पर भी बीएनएस अप्लीकेबल होगा। पहले आईपीसी लगती थी, अब बीएनएस अप्लीकेबल होगा। बेसिकली ये जो है प्रोविजन आपके आईपीसी में सेक्शन 4 में आपका बताया गया है, आईपीसी में सेक्शन 4 में बताया गया था। तीसरा, कोई व्यक्ति भारत के बाहर से, बियॉन्ड ऑफ इंडिया, भारत में जो कंप्यूटर रिसोर्सेस है, कंप्यूटर स्रोत है, उनको टारगेट करके नुकसान पहुंचाता है, तो यह भी जो है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपराध माना जाएगा, यह चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन 4 आईपीसी का था, और सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो है तो बीएनएस का यहाँ पे है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों क्लॉज, क्लॉज 1, 4, 1, 5 अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारिता के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, और इन धाराओं के साथ जो है एक तरह से प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान भी पढ़े जाते हैं, पर चूंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा डिविजन ट्रिटी, तो इसलिए उन चीजों को मैंने यहाँ पर एस्केप कर दिया है, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और आते हैं अंतिम क्लॉज की, जो क्लॉज 6 है, यहाँ पे क्लॉज 5 ही लिखा हुआ है, इसको 6 कर लेते हैं। तो ये जो क्लॉज 6 है, तो क्लॉज 6 बेसिकली कहता है कि ये जो आपकी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, वो किसको अफेक्टेड नहीं करेगी, तो वह अफेक्टेड नहीं करेगी मिलिट्री लॉ को, यानी कि कोई मार्शल लॉ यानी सेना विधि, तो सेना विधि मिलिट्री लॉ मार्शल लॉ के अफेक्टेड नहीं करेगी। जो स्पेशल लॉ जिसको सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिफाइन किया गया है, विशेष विधि, तो मिलिट्री लॉ के अंतर्गत जनरली तीन प्रकार की जो सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, उनके लिए बनाई गई कोई भी विधि सेना विधि कहलाती है, तो उनको अफेक्टेड नहीं करेगी बीएनएस।
दूसरा स्पेशल लॉ फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एनी लॉ में फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट विशेष विषय के लिए बनाया गया है। जैसे आप एनडीपीएस एक्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ते हो, फूड सेफ्टी एक्ट पढ़ते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो, एसटीएससी एक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना, ये जितने भी एक्ट हैं ये सभी आपके कौन से स्पेशल लॉस यहाँ पे कहलाते हैं, आर्म्स एक्ट, करप्शन एक्ट, ये सभी। फिर इसके बाद आते हैं लोकल लॉ, स्थानीय विधि, तो लोकल लॉ सेक्शन 218 में। तो जैसे अभी गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम, लोक सेवा का गारंटी अधिनियम, ठीक है ना, माता पिता भरण पोषण अधिनियम, ये जो चीजें हम पढ़, ये माता पिता तो चलिए केंद्रीय विधि है, गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है ना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विशेष न्यायालय अधिनियम, वो मुझे विशेष न्यायालय अधिनियम एक बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 5 एक्ट आपके हैं, मुझे अभी 3 याद आया, बाकी 2 फिर बता दूंगा। तो कहने का मतलब वो लोकल लॉस, सिविल जज की तैयारी करते रहोगे तो एमपीएलआरसी, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एक्साइज एक्ट, एमपी एक्साइज एक्ट, एक्साइज भी आपका जो है तो लोकल लॉस के डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोकल लॉस, तो लोकल लॉस को भी अफेक्टेड नहीं करती है बीएनएस, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका जो सेक्शन 1 है, बहुत ही समराइज्ड वे में मैंने सभी बातें बता दी हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई हो। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।